अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से यूके में आते ही मुझे प्रोफेशनल अपने ही फील्ड की जॉब मिल गई इतनी जल्दी, और क्या ट्रिक्स जो है मैंने यूज़ की हैं, और यूके की जॉब मार्केट का क्या सीन है, सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। वीडियो आपने पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जब मूव हुई थी फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके, तो मैंने ना शुरू में ये डिसाइड किया था कि मैं एक साल का या मिनिमम एक साल का और मैक्सिमम दो साल का करियर ब्रेक लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है ना वो इस तरह से होता है आपका कि अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों के पास वाइफ को रुकना पड़ता है, और अगर दोनों जॉब करें तो आपकी जो रूटीन है ना वैसी हो जाती है कि एक जो है वो घर जाता है, घर आता है तो दूसरा घर से जाता है। तो मैं दोनों सिचुएशन नहीं चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेटी ऑब्वियसली अभी बहुत छोटी है, तो डे केयर वगैरह में मुझे भेजना अभी बेहतर नहीं लग रहा था, और दूसरा मैं ऐसी रोबोटिक किस्म की लाइफ नहीं चाह रही थी कि जिसमें मैं घर आऊँ तो मेरे हस्बैंड घर से जाएँ। मतलब आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल मोहलत ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि क्या करना है, लाइफ कैसे गुजारनी है, बस आप बस दिन रात काम करते रहो, ऐसा कोई भी स्टेप मैं नहीं लेना चाह रही थी। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं अभी कुछ अरसा काम नहीं करूँगी, इवन यूके में आके भी। अच्छा, अब होता कुछ यूँ है ना कि हम जब पाकिस्तान से मूव करते हैं यूके, तो इवन इंडिया से भी, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़ बट मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूँगी, मोस्टली ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों की ऐसी सोच है, जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो हम प्रोफेशनल्स होते हैं मोस्टली, किसी के पास अच्छी डिग्री होती है, किसी के पास 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, और यहाँ पे आते ही ना हम क्या सोचते हैं कि यार मुझे तो वाइट कॉलर जॉब मिलने से रही, मैं तो ब्लू कॉलर जॉब कर लूँगा, मैं किसी जाके रेस्टोरेंट में वेटर लग जाऊँगा, मैं कहीं कैशियर बन जाऊँगा, मैं KFC में, मैकडॉनल्ड्स में, किसी भी इस तरह के फास्ट फूड चेन में जाके काम कर लूँगा, मैं सफाई तक कर लूँगा, लेकिन आई नो मुझे मेरी फील्ड की जॉब नहीं मिलेगी। तो हम ये माइंडसेट लेके जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, और जब आप ये माइंडसेट लेके आते हैं ना तो आपके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप कोशिश नहीं करते। आप पाकिस्तान से किसी अच्छी फील्ड से उठ के आए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में HR स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे आके आप जो है वो SDLD में स्टोर असिस्टेंट के तरह काम कर रहे हैं, और आप उसी पोजीशन में काम करते, उसी एक लेवल पे काम करते रह जाते हैं, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका पाकिस्तान से ही माइंडसेट जो है वो ये है कि यार मुझे तो जॉब मिलनी ही नहीं है, आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट है कि आप कोशिश ही नहीं करते। सो अब मैं आपसे अपना शेयर करूँ, पहली चीज़ तो ये थी कि मैंने ये सोचा था कि मैं जो काम करूँगी नहीं, मैं ब्रेक लूँगी, और दूसरी मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। पाकिस्तान में मैं करती थी डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ पाकिस्तान में काम किया हुआ है। अच्छा, मैं पाकिस्तान से जब यहाँ पे आई तो मैं यही सोचती थी कि यार मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, यूके की जॉब मार्केट तो बहुत डिफरेंट है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, टारगेटेड ऑडियंस, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, तो मुझे क्या पता जॉब मिले ही ना। तो ठीक है यार, शुरू में तो मैंने जॉब करनी ही नहीं है, बट जब करूँगी तो मैं कोई भी ब्लू कॉलर जॉब कर लूँगी, दैट डजेंट मैटर, बस पैसे आ रहे हैं, ठीक है। खैर, जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके शुरू में तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, मैं घर पे थी, घर के काम वगैरह होते थे, घर को सेटल डाउन करना था, बच्ची थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए जब आप फुल टाइम एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक रूटीन हो, आप घर से बाहर जा रहे हो, और एकदम से आपकी लाइफ, आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो ज़ीरो हो जाए, आपके पास कुछ भी नहीं है करने को। लाइक एक टाइम वो था मेरी लाइफ में कि मेरे पास यूट्यूब कंटेंट बनाने का टाइम नहीं होता था, और अब वो टाइम था मेरी लाइफ में कि मेरे पास इतना फ्री टाइम था कि मैं इतनी बेजार हो चुकी थी उस फ्री टाइम से, मैं उसको कहीं यूटिलाइज करना चाह रही थी। सो मैं जब इस तरह परेशान हुई और मेरे बिहेवियर में ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो गए, और मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को नोट डाउन किया, तो एक दिन उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम बेटर फील नहीं कर रही हो, अगर तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम घर बैठ सकती हो, तो इट्स ओके, तुम जॉब करना चाह रही हो, तुम जॉब कर सकला कि यार तुम अगर जॉब करना चाहती हो तो तुम कर लो। अब ये पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पर तुम एक फुल टाइम हफ्ते में 6 दिन जाओगी, 10 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट लगा के आओगी, हाँ यहाँ पे ऐसा भी होता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बच्ची है और तुम जस्ट नॉट फॉर द मनी बट तुम जस्ट अपना एक वो टाइम को किल करने के लिए करना चाह रही हो, तो तुम कोई ऐसी जॉब भी देख सकती हो जो कि तुम्हें हफ्ते में 2-3 दिन मैक्सिमम करनी पड़े, और उसमें भी 5-6 घंटे करनी पड़े, ऐसी जॉब्स भी यहाँ पे मिलती हैं, तो तुम ट्राई करो। खैर, मैंने उनकी जब मेरी उनसे ये बात हुई, सो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई, मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया। अब मेरी टारगेटेड जॉब्स क्या थी मैं आपको वो बताती हूँ। मैं सोच रही थी कि यार मुझे KFC में जॉब मिल जाए, मुझे मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिल जाए,
क्योंकि ये जॉब्स यहाँ पर ना थोड़ी अच्छी मानी जाती है, मुझे स्टारबक्स में जॉब मिल जाए, मुझे मेरी इस तरह की टारगेटेड जॉब्स थी। सो एक दिन मैंने तीन चार जगहों पे अप्लाई किया, और जब मेरे हस्बैंड से इस बारे में डिस्कशन हुई तो मैंने उनसे शेयर किया कि मैंने अप्लाई कर दिया इन जगहों पर, तो होप सो मुझे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। सो उस टाइम पे उन्होंने, जब मैंने उनकी ये बात बताई तो वो मेरे पर हंसे और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम पाकिस्तान से। अच्छा, जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो ना मेरे पे हंसे कि मतलब तुम पाकिस्तान से एक प्रोफेशनल जॉब छोड़ के आई हो, चार साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास डिग्री है, और तुम्हारा ये माइंड सेट है अपने बारे में कि तुम यहाँ पर KFC या मैकडोनल्ड्स में जाके खड़ी होना चाह रही हो। सो मुझे उन्होंने ना काफ़ी डीमोटिवेट कर दिया, और मैं लिटरली एक दो दिन गुस्सा भी रही कि पहले खुद का था कि जॉब करो, आप खुद कह रहे हो कि तुम्हारी ये वैल्यू है, तुम अपने आप को इस कदर वर्थी समझती हो। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो माइंडसेट तुम लेके आई हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट करो अपनी स्किल्स पे, अपने CV पे ट्रस्ट करो, अप्लाई करो जॉब्स के लिए, फॉर श्योर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी और अपनी फील्ड की ही मिलेगी। हो सकता है कि जैसे मैं पाकिस्तान में मैनेजरियल लेवल पे थी, आई वॉज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सो हो सकता है यहाँ पर तुम्हें एक लेवल कम मिले, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट से ही बिलोंग करती हो तुम, तो हो सकता है एक्सपीरियंस थोड़ा सा, पोजीशन थोड़ी सी तुम्हें कम मिले, बट यू विल गेट द जॉब। सो उनकी बात सुन के मैंने जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट किया, और ट्रस्ट मी गाइज, विद इन 1 week मेरे पास 3 interview calls थी। अच्छा, मेरी तीन की तीन कंपनीज में जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट हुए, थोड़ा एक से दो वीक का प्रोसेस था, तीनों में डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर ना हायरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो मेरी वो तीनों कंपनीज में जो है वो इंटरव्यू। अच्छा, फाइनली फिर एक कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया और उनके साथ जो है अब मैं जॉब कर रही हूँ। ये मेरा 2nd week है कंपनी के साथ जॉब करते हुए, और अब मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। देखिए, वो कहते हैं ना, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, सो ऐसा ही मेरे केस में हुआ है। आई वॉज सो कंसर्न फॉर माई डॉटर, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत अटैच है और मैं ज़्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ के जा नहीं सकती। तो जब मैंने अपने ये सेम कंसर्न्स अपने बताए, जहाँ मेरी जॉब हुई है, मैंने उनसे शेयर की अपनी, जो मेरे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे उनको जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने मुझे ये ऑफर कर दिया कि क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं उसको रिमोटली कहीं से भी कर सकती हूँ, इट्स रियली ईजी फॉर मी, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैं इसको करूँ फ्रॉम होम, और उसमें ये होगा कि वीकली 1 or 2 days मैंने जस्ट आना होगा ऑफिस फॉर द मीटिंग्स, ताकि मैं पूरे वीक का जो एक कैलेंडर है उसको लाइनअप कर लूँ, और उसके बाद मैं अपनी जो जॉब है, अपना जो काम है, वो घर से बैठ के कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो मेरे साथ होगी, यानी कि मुझे जॉब भी मिल गई, ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब मिल गई, ईयरली सैलरी, ईयरली पैकेज बहुत अच्छा। आई विल ट्राई कि अगर अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ यहाँ पर अटैच कर सकूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकती मैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिखा दूंगी, सो यू विल गेट टू नो कि मुझे जॉब जो है वो मिल गया। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, वो बाद में ऐसे कमेंट्स करते हैं, यार ये क्या कह रही है, ये तो पास से बोल रही है, नहीं, मैं आपसे अपना असली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो मुझे जॉब भी मिल गई, और मेरा जो एक कंसर्न था ना मेरी बेटी को लेके, वो भी सॉर्टेड, यानी कि मैं अपने घर में बैठ के काम कर रही हूँ, वीक में 1 या 2 दिन मैं बाहर जा रही हूँ, अपना जो मीटिंग्स हैं, जो भी चीज़ें लाइन अप हुई हैं, उनको डील करके घर आके बाकी पूरा वीक मैंने घर से बैठ के काम करना है, और आई एम सॉर्टेड, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, मैं घर पर भी हूँ, मैं अपने बच्चे को भी टाइम दे रही हूँ। यहाँ पर जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी मुझे, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मेरी एक कहते हैं ना कि मेरी बैक बन के खड़े रहे, और मैं बहुत जज्बाती हूँ, और मेरे ना बहुत ही वो डिफरेंट से थॉट प्रोसेस होते हैं, वो हमेशा मेरे थॉट प्रोसेस को गलत वे से सीधी वे में लेके आते हैं, और इस बार भी उन्होंने मेरे साथ यही किया है। तो इस तरह से मुझे एक वो, मैंने जस्ट अपना एक वो थॉट प्रोसेस था ना, उसको ठीक किया, कि अपना एक ओपिनियन ठीक किया कि मुझे जॉब मिल सकती है, और मुझे जॉब मिल गई विद इन फ्यू डेज, आपके सामने ही है सारी चीज़। सो ये थी मेरी स्टोरी कि किस तरह से मुझे जॉब मिली, और अब बात करते हैं कि क्या मैंने किया जॉब हंटिंग के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान में जब आप जॉब हंटिंग करते हैं ना, तो वो तरीका बहुत डिफरेंट होता है, यहाँ पर तरीका बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ब्लू कॉलर जॉब करनी है ना, छोटी मोटी नौकरी करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप दुकान से दुकान, स्टोर से स्टोर जाके घूमते हैं, तो आपको जॉब मिल भी जाती है। लेकिन जब आपको प्रोफेशनल जॉब करनी होती है ना, तो वो टोटली होते हैं आपके प्रोफेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि लिंक्डइन एंड इंडीड। मैं आपको फिलहाल और किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा और किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2 प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन एंड इंडीड।
अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना उसको आपने ना उसको बेटर करना है, ठीक है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि यूके में क्या सिंटेक्स, क्या फॉर्मेट होते हैं आपके रिज्यूमे के, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के, आप उनको उस वीडियो को, उन वीडियोस को फॉलो करें पे जो वीडियोस हैं उन्हीं से हेल्प लिया, आप भी उन्हीं से हेल्प लें, अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसको बूस्ट करें, अपनी जो रिज्यूमे है उसको यूके के फॉर्मेट पे आप एडिट करें, और साथ में चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कीवर्ड डाल के लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपडेट करें। इस तरह से आपको ना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जितनी आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, जितना अपडेट कर सकते हैं उतना अपडेट करें, कनेक्शंस बनाएं, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको फॉलो करें, आपकी फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं उनसे कनेक्शन बनाएं, ये आपने लिंक्डइन पे लाजमी करना है अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए। दूसरा ये है कि आपने अपनी इंडिड की प्रोफाइल को अपडेट करना है, नई बनी हुई तो वो भी बना लें, वहाँ पर जाके अपनी एक अपडेटेड सीवी जो यूके के फॉर्मेट पे बनी हो, जिसपे आपका यूके का एड्रेस और नेम, सॉरी यूके का एड्रेस और नंबर लिखा हो, मेक श्योर आपका यूके का एड्रेस और नंबर सीवी पे लाजमी हो, क्योंकि ये लोग ना यहाँ पे सीवीज को ना फिल्टर आउट करते हैं और उसमें ऑब्वियसली कीवर्ड डालते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए ना तो वो प्रेफर ये करते हैं ऐसा बंदा जो कि यूके में ही लोकेटेड हो। तो आपने अपना एड्रेस और अपना नंबर यूके का और एड्रेस लाजमी डालना है, उससे ये होता है ना कि आपकी सीवी फिल्टर्ड आउट होके तो एचआर तक चली जाती है और वो फिर आपकी सीवी को आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने एक अच्छा सा अपना कवर लेटर लिख के रखना है विद बेस्ट कीवर्ड रिसर्च, उससे भी ये होगा कि जब आप जॉब हंटिंग करेंगे ना तो आप अपना इंडीड पे मैक्सिमम, बल्कि आपको कहीं ऑप्शन आता है कि कवर लेटर अपना लिखें, कहीं नहीं भी आता तो भी अपना कवर लेटर लाजमी लिखें, उसमें बताएं आपका बैकग्राउंड क्या था और अब आपके आगे गोल्स क्या हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपने लाजमी करनी है। ये मैंने जब मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला तो उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी जाके सीधा अन्य वहाँ अप्लाई नहीं करना शुरू कर दिया, सबसे पहले अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट की, अपनी सीवी अपडेट की, अपना एड्रेस नंबर वगैरह ऐड किया और उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया। विद इन वन वीक मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास 3 जॉब ऑफर्स थी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस यूके में, मुझे मेरी फील्ड जॉब कैसे मिली वो भी आपको मिले की। और तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए मोटिवेशनल भी रहेगी, हेल्पफुल भी रहेगी। मजीद कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पूछ सकते हैं, ईमेल कर दें आप मुझे, इट्स अप टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।